प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम प्रोफेशनल एथिक्स के एक शॉर्ट क्वेश्चन से डील करेंगे, विच इज क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एडवोकेट। एक सफल अधिवक्ता के क्या क्या गुण होते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट्स भी बनवाते चलूँगा, तो आप लेक्चर ध्यान से समझो और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एडवोकेट। देखो, एक सक्सेसफुल एडवोकेट के कई सारे क्वालिटीज होते हैं। अगर हम कुछ मेजर क्वालिटीज को देखें तो सबसे पहला है गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक एडवोकेट या एक लॉयर के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। वो अपनी बातों को बिफोर द कोर्ट अच्छे से प्रेजेंट कर सके, कोर्ट को कन्विंस कर सके और साथ ही अपने क्लाइंट को आसानी से ये समझा सके कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं और किस तरीके से उसे रिलीफ मिल सकता है। राइट, तो अपने क्लाइंट और कोर्ट के सामने क्या करे, अपने केसेस को अच्छे से प्रेजेंट कर सके, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और ये स्किल दोनों ही फॉर्म में होना चाहिए, मतलब राइटिंग में भी और ओरल में भी। पहला ये। दूसरा, जजमेंट। एन एडवोकेट मस्ट हैव स्किल टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स फ्रॉम लिमिटेड इंफॉर्मेशन। एक एडवोकेट के अंदर हमेशा जजमेंट की क्वालिटी होना चाहिए। उसे हमेशा लिमिटेड इंफॉर्मेशन से लॉजिकल कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ किया जाए, ये स्किल उसके अंदर होना चाहिए। अगर ये कॉज है तो इसका ये इफेक्ट हो सकता है, तो ये एबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। तीसरा, एनालिटिकल स्किल। जो भी फैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशंस, जो भी मैटर्स उसके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं क्लाइंट के द्वारा, उन्हें आसानी से और डीप मेथड ऑफ एनालिसिस का यूज़ करके उन चीज़ों को एनालाइज करें, तो एनालिटिकल स्किल उसके पास होना चाहिए। फिर रिसर्च स्किल। क्लाइंट ने अपने मैटर्स को एडवोकेट के सामने प्रेजेंट कर दिया, अब एक एडवोकेट का ये ड्यूटी बनता है कि उन इंफॉर्मेशंस के ऊपर और भी क्या करे, वो रिसर्च करे ताकि उसके पास डिटेल नॉलेज हो, सभी इंफॉर्मेशंस का एक कंक्लूजन उसके पास रहे। ठीक है, तो ये रिसर्च स्किल, उसके अंदर रिसर्च का स्किल होना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, हमेशा एक एडवोकेट को लॉजिकली सोचना है। राइट, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। एक सफल अधिवक्ता का ये गुण होना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, पब्लिक में वो फ्लुएंटली बोल सके बिना किसी हेजिटेशन के, कोर्ट में अपने केसेस को आसानी से और एक्सप्रेसिव मैनर में प्रेजेंट करें, तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल। कन्विंसिंग स्किल भी होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को कन्विंस कर दे कि जो जजमेंट होगा वो उसी के फेवर में होगा, हर हाल में वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, तो कन्विंसिंग स्किल होना चाहिए। लिसनिंग स्किल। एन एडवोकेट मस्ट हैव स्किल टू लिसन द मैटर्स डिस्क्लोज्ड बाय हिज क्लाइंट केयरफुली विच विल हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर फुली। तो जो भी मैटर्स क्लाइंट एडवोकेट के सामने प्रेजेंट कर रहा है, एक एडवोकेट को उन सभी मैटर्स को ध्यान से समझना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, तभी वो सारे मैटर्स को अच्छे से समझ सकता है और कोर्ट में आर्गुमेंट कर सकता है। फिर क्या है, पेशेंस। एक एडवोकेट को फुल एंथुसियाज्म के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ और अपने एफर्ट्स के ऊपर उसे विश्वास करके केस लड़ना चाहिए।
उसे अपने आप पे, अपने आर्गुमेंट के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो जजमेंट है वो उसी के फेवर में आएगा। ठीक है, तो दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एडवोकेट। सबसे पहला क्या है? गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आप लिखोगे लॉयर और एडवोकेट मस्ट पॉजेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ ओरल एंड रिटन। एन एडवोकेट मस्ट पॉजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल इन बोथ राइटिंग एंड ओरल। दूसरा क्या है? जजमेंट एन एडवोकेट मस्ट हैव स्किल। एन एडवोकेट मस्ट हैव स्किल टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। तीसरा एनालिटिकल स्किल एनालिटिकल स्किल एन एडवोकेट मस्ट बी एबल एन एडवोकेट मस्ट बी एबल टू एनालाइज एन एडवोकेट मस्ट बी एबल टू एनालाइज द इवेंट्स बाय यूजिंग क्रिटिकल मेथड ऑफ एनालाइजिंग। फिर क्या है? रिसर्च स्किल। रिसर्च स्किल, रिसर्च स्किल अनदर मोस्ट क्रूशियल स्किल नीडेड। Another most crucial skill needed to be a successful advocate is ability to research soon after receiving information from client. आगे क्या कहता है? लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी एन एडवोकेट मस्ट थिंक लॉजिकली। लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी An advocate must think logically to draw a conclusion. To draw a meaningful conclusion. फिर क्या कहता है? Public speaking skill public speaking skill well spoken and being expressive well
spoken and being expressive is another quality. और फिर क्या है, लिसनिंग स्किल है, लिसनिंग स्किल है. लिसनिंग स्किल है एन एडवोकेट मस्ट हैव स्किल टू लिसन द मैटर. Advocate must have skill to listen the matter disclosed by his client, disclosed by his client. To understand the matter completely, ठीक है. लास्ट कहता है patience, he must act with full dedication, enthusiasm. Patience. He must act with full dedication and enthusiasm. Enthusiasm and have belief on his efforts and have believe on his efforts that he will provide complete justice to his client. ठीक है, तो दीज आर सम मेजर क्वालिटीज विच आर नीडेड टू बी अ सक्सेसफुल एडवोकेट. तो आई होप ये जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा और आपने नोट्स बना लिया होगा. अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे लेक्चर्स आपको किसी भी वे में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव together we learn, together we grow. Thank you. Have a nice day.